अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट पंजाब पुलिस कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल के टॉप 400 एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 12 आपके खिदमत में हाजिर कर दिया गया है। अगर बाकी पार्ट्स अभी तक आपने नहीं देखे तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इस चैनल पे आपको पंजाब पुलिस की 100% तैयारी कराई जाएगी। शुक्रिया। हजाज बिन यूसुफ वाज़ दी गवर्नर ऑफ डैश। तो हजाज बिन यूसुफ किसका गवर्नर था? इराक इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। सूरह अनकबूत इन होली कुरान मीन्स। तो कुरान पाक में सूरह अनकबूत का मतलब क्या है? स्पाइडर इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। वास्कोटी गामा वाज़ ए नेटिव ऑफ डैश। तो वास्कोटी गामा किसका बाशिंदा था? तो पुर्तगाल इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। योम तकबीर इन पाकिस्तान इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो पाकिस्तान में योम तकबीर कब मनाया जाता है? 28 मई इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। रिवर काबुल ज्वाइन इंडस एट। दरियाए काबुल किस मुकाम पर दरियाए सिंध से मिलता है? तो अटक इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज। तो बेल्जियम का दारुल हुकूमत क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ब्रुसेल्स। The most abundant element in the earth crust is। जमीन की तह में सबसे ज्यादा कौन सा अंसर पाया जाता है? ऑक्सीजन इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब होगा। गिलास इज मेड ऑफ ए मिक्सचर ऑफ डैश। तो शीशा किसके मरकब से बना है? सैंड एंड सिलिकेट्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑरेंज रिवर इज लोकेटेड इन डैश। तो ऑरेंज दरिया कहाँ वाकया है? तो साउथ अफ्रीका इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। विच सूरा स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्ला। तो बिस्मिल्ला के बगैर कौन सी सूरत शुरू होती है? सूरत अल तौबा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। तो मंदरजा ज़ैल में से सबसे हल्की धार कौन सी है? लिथियम इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। विच इज द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल इन द बॉडी। जिस्म में सबसे बड़ा इंसानी खुलिया कौन सा है? ओवियम इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। विच सूरा ऑफ होली कुरान इज नोन एज सूरह विदा। सूरह अल नसर को सूरह अल विदा भी कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ ज़कात कैन नॉट बी यूज इन डैश। तो ज़कात की रकम डैश में इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। मॉस्क इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अमीरुल उम्मत इज द टाइटल ऑफ हजरत डैश। अमीरुल उम्मत किसका लकब था? अबू उबैदा बिन अल जर्राह। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ डिमर। तो डिमर का मुखालिफ क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एम्ब्रेस। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन डैश। तो दुबई इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। व्हाट इज द रेशो ऑफ ज़कात इन ग्राम्स ऑन गोल्ड। तो 87.48 ग्राम्स ऑफ गोल्ड होगा। ग़ज़वे मुता टुक प्लेस इन डैश। तो ग़ज़वे मुता डैश में हुआ। तो ताइफ इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज लोकेटेड इन डैश। तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग डैश में वाकया है। तो न्यूयॉर्क सिटी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। During which year the First World War was started dash? तो पहले जंग अजीम किस साल में शुरू हुई? 1914 में और 1918 में खत्म हुई। The nation of Samud was preached by। कौम समूद की तबलीग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने की थी। The real name of हजरत लाल शहबाज कलंदर was। तो लाल शहबाज कलंदर का असली नाम क्या था? हजरत उस्मान मरवंदी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब्दुल सत्तार ईदी पास्ट अवे इन विच ईयर। तो अब्दुल सत्तार ईदी का इंतकाल किस साल में हुआ? तो 2016 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इन फ्रांस द बस्टाइल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश। फ्रांस में आजादी का दिन 14 जुलाई को मनाया जाता है। The highest waterfall of the world is। तो दुनिया का बुलंद तरीन आबशार कौन सी है? एंजल फॉल्स इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। गोल्डन गेट ब्रिज इज लोकेटेड इन डैश। तो गोल्डन गेट पुल कहाँ वाकया है? सैन फ्रांसिस्को में वाकया है गोल्डन गेट ब्रिज। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चिली। तो चिली का दारुल हुकूमत क्या है?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेंटियागो।